नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर की पौड़ी हरिद्वार में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया। महापूजन का आयोजन महाकुंभ मेले के सफल होने के उद्देश्य से किया गया था। बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ ही सुरक्षित महाकुंभ का आयोजन करने के लिए सरकार संकल्प है। हरिद्वार के तीनों संस्कृत महाविद्यालयों से आए 151 आचार्यों ने महापूजन के दौरान चारों ओर से मंत्रोच्चारण और शंखनाद किया। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर आज उत्तराखंड बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्रों तक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उत्तराखंड बीजेपी का मुख्य कार्यक्रम देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में हुआ, जहां बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सबसे पहले पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। उसके बाद सीएम तीरथ भारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। वहीं इस दौरान सभी ने स्थापना दिवस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामूहिक रूप से बैठकर सबने विचार सुने हैं। आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर हम लोगों ने भी पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और केवल बड़ी पार्टी नहीं अपितु आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल के रूप में भारत में, भारत के सरकार के रूप में विभिन्न राज्यों में एक जनहित में काम कर रही है कि आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। हम सब लोग उसको देश भर के अंदर मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो, उसको हम सब ने सुना है। आज देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, और मैं कह सकता हूं कि जब स्थापना हुई तो बम्बई के अंदर पहले अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, और उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आज पूरे घर घर में कमल खिला है, देश आगे बढ़ा है। विश्व के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे, और मैं कह सकता हूँ कि कोविड में भी भारत ने पूरा कर दिखलाया विश्व के अंदर। जिस तरह पीपी किट पहले बाहर से मंगाए करते थे, लाखों की संख्या में अन्य अदर्स कंट्रियों को भारत में भेजने का काम किया। वैक्सीन आज 14 देशों के अंदर भारत सरकार ने भेजने का काम किया, एक इतिहास रचा है। पार्टी की आज 41वां स्थापना दिवस है, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बेहद ही खुशी का दिन है, और राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है आज, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 18 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और उस पार्टी के हम सब सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, ये हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, सबका साथ सबका विकास, और इस कोविड काल में किस तरह से भारत अपनी भूमिका निभा रहा है दुनिया में। 72 देशों से अधिक देशों में आज वैक्सीन जा रही है, भारत में से औषधियां जा रही हैं। ये भारत की जो विश्व बंधुत्व की कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, जितने भी देश के लाभार्थी हैं उन तक जो पहुंची है, उनका हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर एक आयाम निर्धारित किया, एक नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं
अपने 41 साल के इस जीवन के अंदर और पूर्व के जनसंघ के काल के अंदर हम जिन नैतिक मूल्यों को लेकर चले थे आज भी उन पर निर्धारित है। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत शुरू किया था, लेकिन दूसरे लोगों को राष्ट्रीय गीत सिखाने वाले मंच पर बैठे बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत के सम्मान में मंच से खड़ा होना भी जरूरी नहीं समझा। मंच पर बैठे इन बीजेपी नेताओं में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और नगर विधायक प्रदीप बत्रा के साथ नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय गीत के चलते हुए जब मीडिया का कैमरा इन नेताओं पर पहुंचा, सभी धीरे धीरे खड़े होने लगे। आयोजन तो सैनिकों के लिए किया गया, लेकिन अभी उसमें सैनिकों को पूरा मान सम्मान जो है नहीं हो पा रहा, तो महसूस कर रहे उतना सैनिक, क्योंकि सैनिकों ने तो हाँ लड़ाई लड़ी ना, फोटो तो नहीं रखा। अब जो युवा है उसमें अपने फोटो खींचने में उनको घेर के खड़े हैं और सम्मान है नेताओं का हो रहा है, और नेताओं का सम्मान हो रहा है। नेताओं का तो सम्मान हमेशा होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज सैनिकों के सम्मान के लिए है, सैनिकों को हकता, छोटे छोटे आदमियों को हकता, बड़े आदमियों का इतना। कहीं ना कहीं वंदे मातरम के बीच में भी कुछ वो भी हाँ डिस्टर्ब हुआ, लड़कियों को मतलब पूरा गाने के लिए उनको नहीं बोलना पूरा, लेकिन वो बीच में दो लाइन के बाद ही लोगों ने समाप्त कर दिया। शिक्षा भिक्षा नहीं शिक्षा के तहत डीजीपी अशोक कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन मुक्ति की टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज ITPL के छात्रों को जागरूक किया। उन्हें बताया कि छोटे छोटे बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा की जरूरत है, इसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है, जिससे लोग जागरूक होकर बच्चों को दीक्षा नहीं दे। भिक्षा मांगने वाले बच्चे दिखाई देने पर इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जिससे ऑपरेशन मुक्ति के सदस्य बच्चों की भिक्षावृत्ति छुड़ाकर उन्हें स्कूलों में एडमिशन दिला सके। इसके लिए सामाजिक संस्थानों का सहयोग भी लिया जा रहा है। वहीं DGP अशोक कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट से आकर्षित होकर सामाजिक संस्थाओं ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया। नगर निगम देहरादून में शामिल 40 नए वार्डों से कमर्शियल हाउस टैक्स को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने नगर निगम का घेराव किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि जब साल 2004 में नगर निगम के नए इलाके शामिल हुए थे तो उन इलाकों से 2014 तक कोई टैक्स नहीं लिया गया था। बीजेपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि नए इलाकों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद साल 2018 में 40 नए वार्डों में जिन ग्राम सभाओं को शामिल किया जा रहा था उनके जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। तब भी बीजेपी सरकार ने 10 साल तक टैक्स नहीं लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 4 गुना ज्यादा हाउस टैक्स वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो कि गलत है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निगम की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, डबल नहीं है, ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है और देहरादून में भी छोटी सरकार इन्होंने बना रखी है। और इन्होंने जनता के साथ वादा किया था कि 10 साल तक हम कोई भी टैक्स जो है नए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उनके नहीं लेंगे, लेकिन अब लगातार जो है जो नए क्षेत्र जुड़े हैं वहाँ पर सुविधा तो ये दे नहीं रहे हैं और टैक्सों की बढ़ोतरी लगातार करते जा रहे हैं। उसको लेकर आज हम सब लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो इसमें जो हमारा आंदोलन और तेज होगा। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। बता दें 17 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सल्ट विधानसभा सीट के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने महेश जीना को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2017 में दूसरे नंबर पर रही गंगा पंचोली को दोबारा से इस विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पैतृक आवास सल्ट विधानसभा से काफी जुड़ा हुआ है और उनकी राजनीतिक पैठ इस पूरी विधानसभा में जमीनी स्तर तक है। ऐसे में दिल्ली एम्स अस्पताल से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक मार्मिक ऑडियो जारी किया है, जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के लिए सल्ट विधानसभा की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हरिद्वार सिडकुल में सत्य मोचो कंपनी के द्वारा वर्करों को बिना नोटिस दिए निकाले जाने को लेकर बवाल मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि गरीब वर्कर अपने परिवार और बच्चों के साथ 22 दिन से लगातार धरने पर बैठे थे और उनकी शिकायतें ठंडे बस्ते के हवाले कर दी जाती थी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के
पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गरीब वर्करों की पीड़ा समझी और अपना समर्थन देने पहुंचे। मामले को बढ़ता देख सीओ सदर और सीओ सिटी के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया गया। हालांकि मौके पर एसडीएम हरिद्वार गोपाल सिंह चौहान भी पहुंचे और कंपनी के मैनेजमेंट और स्टाफ से बात की, जिसमें 2 घंटे वार्ता चलने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रेल विभाग द्वारा हरिद्वार ब्रह्मपुरी पोस्ट ऑफिस मार्ग बंद किए जाने से नाराज ब्रह्मपुरी की जनता ने बीजेपी नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में रेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मार्ग पर अंडरपास या रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाए जाने की मांग की। यहां अंग्रेजों के शासनकाल में लोहे का पुल लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जिसे बंद करने पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में जाने के लिए यहां पर एक वैकल्पिक मार्ग लोहे का पुल था, जिसे रेलवे द्वारा बंद किया गया है। इस पुल को अंग्रेजों के शासन में जनता की परेशानी को देखते हुए खोला गया बनाया गया था, मगर रेलवे ने इसको बंद कर दिया है। उन्होंने रेल मंत्री से मांग करते हुए कहा है कि यहां पर अंडरपास या लोहे का पुल बनवाया जाए, अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ब्रह्मपुरी के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे और रेलवे अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। यहां पर जो है लगभग 10,000 से 11,000 जनता यहाँ पर रहती है, जो सीधी सीधी शहरी निवास शहरी क्षेत्र को बिलोंग करती है और शहरी क्षेत्र के आगमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग था यहाँ पर, जो लोहे का पुल था, जो मैं समझता हूँ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहाँ पर बनाया गया था। जब ये सुरंग बनी होगी, जब आगे की दूसरी सुरंग बनी होगी, जब ये रेलवे लाइन डली होगी, उस दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि यहाँ की जो जनता है किस प्रकार से आगमन करेगी, उसके लिए लोहे का पुल बनाकर एक विकल्प के रूप में तैयार किया। लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी करके जिस प्रकार से यहाँ की जनता का जो रास्ता रोका गया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, इस बात के लिए निवेदन करना चाहते हैं इस बात के लिए कि यहाँ पर 10,000-11,000 जो जनता है उसके लिए या तो अंडरपास बनाया जाए या लोहे का पुल बनाया जाए, कोई भी वैकल्पिक मार्ग हमारे लिए दिया जाए। यदि अगर हमारा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होंगे और उस आंदोलन की जिम्मेदारी जो होगी रेल प्रशासन की होगी और रेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं अगर उनका घेराव भी हमें करना पड़ा तो निश्चित रूप से न्याय संगत मांगों को लेकर घेराव भी करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो है बहुत उत्पीड़ित हो रही है, बहुत परेशान है। और कोई बीमारी अगर यदि किसी को हो जाती है तो पास में हॉस्पिटल है, घूम के जाना पड़ता है और घूम के जाने के बाद में आप देखेंगे कितना ट्रैफिक उस क्षेत्र के अंदर रहता है। तो यहाँ की जनता निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये बेफालतू में रेल प्रशासन द्वारा यहाँ की जनता को उत्पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के तहसील के पोखड़ा ब्लॉक के मटकल गांव में एक महिला को उसके शराबी पति सालों से प्रताड़ित कर रहा था। महिला बहुत ही गरीब परिवार से है तो किसी भी तरह की कार्रवाई करने में असमर्थ है। उनका गांव पटवारी क्षेत्र में आता है, पटवारी खुद एक महिला है लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता को मेडिकल तक के लिए नहीं जाने दिया गया। शिकायतकर्ता ने जो शिकायत लिखकर उस शिकायत की कॉपी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। बता दें पटवारी के सहायक का कहना है कि आपके पति ने ही तो आपको मारा है, तो इस पर कार्रवाई किस बात की। भाद्राबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर हिंसक वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी अतमलपुर मोंगला रुड़की की ओर से वापसी आते समय टोल प्लाजा कर्मियों से टोल टैक्स को लेकर हुई बहस के दौरान स्थानीय आधार कार्ड प्रमाण दिखाने के बावजूद भी गुंडागर्दी के तर्ज पर टोल टैक्स पर जबरन वसूल करने का कर्मचारियों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके चलते बात इतनी हद तक बढ़ गई कि टोल प्लाजा कर्मियों ने एकजुट होकर लाठी डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर स्थानीय निवासियों को मारते हुए घटनास्थल से भगाया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे लेकिन उसके कुछ समय बाद स्थानीय निवासी एकजुट होकर वापस टोल प्लाजा पर पहुंच गए और जमकर वहां पर हंगामा किया और टोल प्लाजा ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की। उत्तराखंड एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष संग्राम सिंह कुंजी को उत्तराखंड यूथ इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंटेक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने संग्राम सिंह कुंजी को ये जिम्मेदारी दी। इस दौरान संग्राम सिंह कुंजी ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी ओर से मजबूरों, युवाओं, श्रमिक, किसानों के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया जाएगा। इस दौरान इंटेक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि इंटेक कांग्रेस की ओर से लगातार बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों के लिए संघर्ष कर रही है जो आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आम आदमी के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।